हेलो एवरीवन सो लेट्स स्टार्ट विद व वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मसल्स स्पिंडल बेसिकली मसल्स स्पिंडल क्या है कहाँ इंपॉर्टेंट है कैसे रिफ्लेक्स में इंपॉर्टेंट है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे सो so, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें तो आइए शुरू करते हैं मसल्स स्पिंडल के साथ सो बेसिकली वॉट इज़ मसल्स स्पिंडल कुछ नहीं हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है जो हमें मेन मेन चीज़ें पता होना चाहिए वो ये है कि मसल्स स्पिंडल क्या है बेसिकली मसल का प्रॉपरियो सेप्टर आप कह सकते हैं मसल इतना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है पोस्चरल वेरिएशन होते हैं तो बॉडी में एक पोस्चर बना रहे तो उसके लिए जो भी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज योर मसल स्पिंडल तो बेसिकली क्या है मसल स्पिंडल एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि पूरी मसल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कितनी क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करता है किस टाइप की मसल है उसका काम कितना इंपॉर्टेंट है तो उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जैसे कि आपको मैं बताऊँ सो दिस इज योर मसल तो इसमें यहाँ पे आपको मसल स्पेंडल दिखेगा सो so, अगर बात है छोटी मसल्स की जिनका काफी प्रिसाइज काम है तो उनमें ज्यादा स्पिंडल दिखेंगे और लार्ज मसल्स में थोड़े कम स्पिंडल दिखेंगे सो so, ये आपका आपने मसल स्पिंडल की बेसिक डेफिनेशन आपको पता चली अब बेसिकली मसल स्पिडल का स्ट्रक्चर समझने के लिए क्या समझना जरूरी है बेसिकली मसल स्पेंडल के यदि आपको स्ट्रक्चर समझना है तो आपको पहले मसल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सो so, बेसिकली ये आपकी मसल है जो आपको कट सेक्शन यहाँ पे काटा है सो so बेसिकली आपके यहाँ पे मेन मसल होती है जिसको एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कहते हैं ठीक है और इसके अंदर मसल स्पिंडल रहता है और मसल स्पिंडल में जो फिर फाइबर्स रहेंगे वो क्या कहलाएंगे इंट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स सो ये आपकी पूरी मसल है यदि सो एक्स्ट्रा फ्यूजल जो कॉन्ट्रेक्टाइल मसल के खुद के फाइबर्स है वो एक्स्ट्रा फ्यूजल है और जो मसल स्पिंडल को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दैट आर योर इंट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स सो अब इसको समझते हैं बेसिकली क्या होता है कि मसल स्पिंडल में आपको आठ से बारह इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स मिलेंगे और जो रेगुलर आपकी मसल के कॉन्ट्रेक्ट आए वो एक्स्ट्राफ्यूजल है आपको पता है ठीक है अब इनका अटैचमेंट्स की बात है सो जो बेसिकली इंट्राफ्यूजल है ये बेसिकली कैप्सूल में रहता है ठीक है और उधर आपको फ्लूड भी देखने को मिलता है इंट्राफ्यूजल के अराउंड ठीक है अब जो एंड ऑफ द कैप्सूल है वो कहाँ अटैच होता है सो बेसिकली यदि मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊँ सो हियर अगर आपका मसलिंडल था सो यहाँ पे आपका गोल्डी टेंडन ऑर्गन है ठीक है और ये आप देख सकते हैं ये मसल पिंडल और यहाँ पे आपका उसी मसल में की टेंडन ऑर्गन और दोनों का फंक्शन काफी अलग अलग है ठीक है सो so, जो वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल एरिया जो स्पिंडल मतलब मसलिंडल है बेसिकली जो कैप्सूल है वो अटैच होगी साइड में किससे अटैच होगी एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर से या आपने देखा साइड में किससे अटैच है एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर से और आगे जाके वो कैरिड हो सकती है की टेंडन ऑर्गन में सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर इसमें अब हम देखते हैं बेसिकली उनका सप्लाई ठीक है तो सप्लाई देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है तो ही आप सप्लाई करवा पाएंगे सो बेसिकली इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर की बात करेंगे डिटेल में सो so, इंट्राफ्यूजल में क्या होता है कि एंड्स कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं सेंटर कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होता है ये अगर एक इंट्राफ्यूजल फाइबर में आपको बताऊँ सो द एंड आर कॉन्ट्रैक्टाइल सेंटर इज नॉट तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो फिर उसका क्या काम होगा मोटर काम नहीं होगा मतलब उसका सेंसरी काम होगा सो so, हम देखेंगे सो so बेसिकली ये चीज़ हो गई और इंट्राफ्यूजल जो फाइबर्स हैं वो आपके दो टाइप में डिवाइडेड है न्यूक्लियर बैग फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स सो so, बैग का मतलब क्या है बैग मतलब डायलेटेशन तो इसमें जो भी न्यूक्लियस होंगे वो एक डायलेटेड पोर्शन में होंगे और अब क्योंकि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि क्योंकि डायलेट हो गया है तो कहीं ना कहीं एरिया बढ़ गया है तो इसमें ही आप और डिवाइड कर सकते हैं सब टाइप्स में डायनामिक और स्टैटिक फाइबर्स ठीक है ये क्या होते हैं हम समझेंगे सो बेसिकली यदि मैं आपसे कहूँ ये आपके न्यूक्लियर बैक फाइबर्स या आपके न्यूक्लियर चेन फाइबर्स ठीक है अब इसमें से न्यूक्लियर स्टैटिक कॉम्पोनेंट ये है और डायनामिक कॉम्पोनेंट ये है ठीक है सो so ये आपका एक आपको बेसिक जो पता होना चाहिए न्यूक्लियर बैक फाइबर और चेन फाइबर्स के बारे में और चेन फाइबर सिंपल जो आपके न्यूक्लियर है वो एक लाइन में लाया करेंगे चेन के अलांग सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर अब हम बात करेंगे इनर्वेशन की कोई भी स्ट्रक्चर है हमें सिक्वेंशियली चलना है स्ट्रक्चर देख लिया अब देखते हैं उसकी सेंसरी नर्व सप्लाई क्या है तो सेंसरी नर्व सप्लाई में एक सिंगल प्राइमरी एंडिंग रहेगी प्राइमरी नर्व सप्लाई रहेगी और छः से आठ आपकी सेकेंडरी नर्व एंडिंग्स रहेगी इसका क्या मतलब है बेसिकली समझते हैं सो so अब आप देखिए ये डायग्राम सो so अभी मैं आपसे कह रहा हूँ ये वाली प्राइमरी जो हमारी नर्व सप्लाई है तो उसका क्या मतलब है बेसिकली जो आपकी सिंगल प्राइमरी इसको एन्युलर स्पायरल एंडिंग भी कहते हैं क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो पूरा ग्रूव कर रहा है ना अराउंड तो स्पायरल पैटर्न है ठीक है तो ये बेसिकली वन एफरेंट फाइबर्स है आई होप आपको नर्व क्लासिफिकेशन पता हो नर्व फाइबर्स का क्लासिफिकेशन जो है उसमें वन ए एफरेंट फाइबर्स में जो वन ए एफरेंट फाइबर है ये आपका सिंगल प्राइमरी एंडिंग है और फिर ये रैप कर जाएगा अराउंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर सो जैसे कि ये आप देख रहे थे ना रैप कर रहा है सो so ये आप और डिटेल में देख सकते हैं बेसिकली ये रैप कर जाएगा पूरा न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर के अराउंड सो so, ये चीज़ आपको पता चल गई अब जैसे ही मसल स्ट्रेच होगी ठीक है मसल स्ट्रेच हुई तो मसल का सेंसेशन कौन लेके जाएगा सेंसरी नव सो मसल स्ट्रेच हुई तो इसने सेंसेशन कैरीड किया ठीक है सो अब आपको पता होना चाहिए मसल स्पिंडल का बेसिक रोल क्या है क्या होता है कि जब ये आपकी मसल है आप सपोज बाइसेप्स कर्ल भी कर रहे हैं है ना कुछ भी आप मसल का स्ट्रेचिंग कर रहे हैं सो यहाँ पे जो स्ट्रेच है तो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा तो वापस इंजरी हो सकती है तो ये स्ट्रेच डिटेक्ट करता है आपका मसल स्पिंडल और फिर इंफॉर्मेशन कैरीड होती है इन द रिफ्लेक्स आर्क और फिर जो भी नेसेसरी अगर ज्यादा स्ट्रेच कर दिया आपने तो आप क्या करेंगे अगर आपने किसी चीज को ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है तो आप उसको ठीक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू कराएंगे जो मसल फाइबर्स हैं तो अल्टीमेटली आप चाहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ठीक है तो ये बेसिक आपको पता है मैकेनिज्म अब क्या कहते हैं कि जो नर्व्स हैं ये कैरी करेंगी सेंसेशन ठीक है अब इसमें आपने क्या कहा नर्व एंडिंग जो है वो न्यूक्लियर बैग में भी है और न्यूक्लियर चेन में भी है ठीक है तो न्यूक्लियर बैग में तो क्या था आपका दोनों कॉम्पोनेंट है याद करिए न्यूक्लियर बैग में आपके डायनामिक और स्टैटिक दोनों फाइबर्स हैं ठीक है तो जो नर्व न्यूक्लियर बैग रीजन से आएगी वो बेसिकली मसल स्ट्रेच तो हो रही है बट किस वेलोसिटी से स्ट्रेच हो रही है क्या लेंथ उसका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो सब देख के जो रिस्पॉन्स कैरी करेगी दैट इज योर डायनामिक रिस्पॉन्स और जो न्यूक्लियर चेन से नर्व आएगी वो बेसिकली बस मसल की पर्टिकुलर स्ट्रेच कितनी लेंथ है बस वो स्टेडी स्टेट में वो डिटेक्ट करेगी तो दैट इज कॉल्ड अ स्टेटिक रेस्पॉन्स इसका क्या मतलब है कि बेसिकली यदि मैं आपसे कहूँ ये चीज तो अगर ये आपकी बैग से आ रही है कोई नर्व तो ये कैरी करेगी कि ये कितने टाइम में कितनी स्ट्रेच हो रही है पर जो चेन से आ रही है वो बस ये ये लेंथ कितनी है ये कैरी करके बताएगी सो अल्टीमेटली कैरी उन्हें स्ट्रेच ही करना है बट स्ट्रेच का दो टाइप हो जाएगा डायनामिक और स्टैटिक ठीक है तो ये चीज़ हो गई और अभी कहाँ टर्मिनेट करेंगे तो बेसिकली टर्मिनेशन के लिए आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स का एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है आपका नीजर्क रिफ्लेक्स जो आप फिजियोलॉजी में अक्सर करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम एज अ डॉक्टर हैमर करते हैं पटेलर लिगामेंट पे सो तो बेसिकली जो क्वार्टिस सीमोरिस है ये हमारी यहाँ पे जो इसमें मसल स्पिंडल होगा ये स्ट्रेच हुआ होगा तो ये स्ट्रेच हुआ तो यहाँ से स्ट्रेच का सिग्नल गया कौन लेके गया आपका सेंसरी न्यूरॉन तो ये जाके रिले कहाँ कर रहा है सीधा का सीधा यहाँ पे अब क्या हुआ ये स्ट्रेच हो मसल्स पिंड ये स्ट्रेच हुई तो आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा तो ये जाके सीधा का सीधा रिले होता है और फिर ये जो मसल में जा रहा है ये अब क्या करेगा इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा जाएगा अल्फा मोटर न्यूरॉन तो ये सीधे कहाँ रिले करेगा अल्फा मोटर न्यूरॉन में सो ये बात आपको समझ में आई कि फाइबर्स फ्रॉम द प्राइमरी एंडिंग टर्मिनेट डायरेक्टली ऑन अल्फा मोटर न्यूरोन सप्लाइंग द एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर ऑफ सेम मसल क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर का काम है तो ये थोड़ा सा आई होप कॉम्प्लेक्स ना हुआ हो फिर इनरवेशन की बात करेंगे जो बचा हुआ है सेकेंड्री एंडिंग्स तो सेकेंडरी एंडिंग्स का क्या है सेकेंडरी एंडिंग्स आपको बस इतना याद रखना है कि ये बेसिकली जो आपकी प्राइमरी थी वन एफरेंट सेकेंडरी आपके टू टाइप टू होगा और ये आपका जाके डायनामिक न्यूक्लियर बैग के अलावा सब जगह जा सकता है तो इसका मतलब डू नॉट इनोवेट डायनामिक न्यूक्लियर फाइबर बाकी जो आपका न्यूक्लियर चेन और स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को इनोवेट करेगा ठीक है और इसका भी अब डायनामिक कॉम्पोनेंट ही नहीं है तो ये भी स्टैटिक रिस्पॉन्स कैरी करेगा तो सस्टेन स्ट्रेच जो होगा वो मसल लेंथ को ये मेजर करके आपको बताएगा ठीक है तो ये हम रिफ्लेक्स आर्क देखते हैं ये पूरी बेसिकली हायर मोटर सेंटर्स भी इन्वॉल्व है ब्रेन भी इन्वॉल्व है तभी ये चीज़ें कंट्रोल्ड हो पा रही हैं तो ब्रेन कैसे इन्वॉल्व है ब्रेन जब अल्फा और गामा देखिए ऐसा समझिए कि ये स्पाइनल कॉर्ड ने अपने लेवल पे निपटा लिया पर ब्रेन दोनों को कंट्रोल करता है तो अब गामा के क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं तो अभी हमने सेंसरी सप्लाई देखा ऑफ मसलिंडल अब हम सेंसरी अब मोटर सप्लाई देखेंगे ऑफ मसल मसलिंडल ठीक है ध्यान रखिए मोटर सप्लाई ऑफ मसल इज अल्फा मोटर न्यूरॉन ठीक है आपकी जो भी मसल है अगर ये मसल है तो इसका मोटर सप्लाई अल्फा मोटर न्यूरॉन पर मोटर सप्लाई ऑफ़ द मसल स्पिंडल इज गामा मोटर न्यूरॉन ठीक है सो so, गामा की क्या न्यूरोमिक so, है, है? So, गामा गामा भी कहते हैं और गामा टू गामा स्टैटिक तो नाम से ही समझ में आता है गामा वन मतलब तो क्या सप्लाई करेगा डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर और गामा टू मतलब करेगा स्टैटिक तो न्यूक्लियर बैक फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर तो कितना आसान है कुछ नहीं है बेसिकली आपको अगेन ये जो चीज है कि गामा एस मोटर न्यूरॉन मतलब आपका गामा स्टैटिक तो ये किस किस को सप्लाई करेगा न्यूक्लियर चेन को और स्टैटिक न्यूक्लियर बैक को और जो आपका गामा डी है ये आपका बेसिकली गामा मोटर न्यूरॉन गामा जो आपका डायनेमिक कॉम्पोनेंट है उसको सप्लाई करेगा ये और जो आपके पूरी मसल को कर रहा है वो अल्फा मोटर न्यूरॉन है तो ये आपको समझ में आया तो अब आपसे पूछते हैं कि क्या हम बस गामा को एक्साइट कर दें तो क्या मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी कैसे करेगी गामा तो बस इतना सा मसल पेंडल को करा रहा है ना तो वो मतलब कहीं ना कहीं इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो इससे पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी फिर क्या होगा तो वो देखते हैं तो बेसिकली आपको इतना समझ में आ गया गामा के बारे में अब मैंने आपसे क्या कहा कि गामा को अगर मैं स्टिमुलेट करूंगा तो कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा मसल का क्योंकि इंट्राफ्यूजल फाइबर इतने स्ट्रांग नहीं है कि मसल का कॉन्ट्रेक्शन करा पाए पर इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर की जो भी शॉर्टनिंग हुई है थोड़ा सा तो कॉन्ट्रेक्शन हुआ है तो जो शॉर्टनिंग हुई है उसके कारण क्या हुआ होगा कि जो आपका मसल स्पिंडल है उसका सेंट्रल जो पोर्शन है वो स्ट्रेच हो गया है तो स्ट्रेच हो गया है वो सेंट्रल पोर्शन तो अगेन वही बात हो गई आपने कहीं ना कहीं गामा को एक्साइट करा पर ये स्ट्रेच हो गया तो ये स्ट्रेच हो गया तो फिर वही बात हो गई तो यहाँ से सेंसरी नर्व एंडिंग्स जाएंगी और फिर वो कहाँ जाके रिले करेंगी आपकी सीधे के सीधे अल्फा मोटर न्यूरॉन तो अल्टीमेटली आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कराने के आपके पास दो तरीके हैं मसल कैन बी मेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय आइदर अल्फा मोटर न्यूरॉन डायरेक्टली वेरी गुड और अगर नहीं हो पा रहा है सो so बेसिकली आप इनरवेट करो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर को बाय द गामा मोटर न्यूरॉन्स गामा मोटर न्यूरॉन अल्टीमेटली क्या करेगा इंटर Intra, इंट्राफ्यूजल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो आपका स्पिंडल है मसल स्पिंडल उसका सेंट्रल पार्ट स्ट्रेच हो जाएगा तो वो स्ट्रेच होगा तो फिर वो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन से रिले करके मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा सो so, ये एक बेसिक मैकेनिज्म है अभी कॉम्प्लेक्स लगता है पर आप एक बार सोचेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द इनर्वेशन तो अब मसल स्पेंडल का सिग्निफिकेंस क्या है इतनी बार मैं बता चुका हूँ तो सिग्निफिकेंस कुछ ज़्यादा अलग नहीं है बेसिकली वही है कि जो आपका पूरा स्ट्रेच रिफ्लेक्स है बॉडी का जब भी मसल आपने स्ट्रेच की पैसिवली स्ट्रेच की हैमर जो आपने किया सो बेसिकली वेन एवर मसल इज स्ट्रेच तो उसके कारण क्या होता है एक एक्शन पोटेंशियल सेटअप हो गया कहाँ सेंसरी फाइबर में और ये एक्शन पोटेंशियल की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी कितना आपने स्ट्रेच किया है जितना ज़्यादा आपकी मसल स्ट्रेच होगी आप डंबल्स उठाते हैं आप बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो जितना आपका स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा आपका रिफ्लेक्स जो है मसल वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि इंजरी ना हो सो so, ये आपका सिग्निफिकेंस है फंक्शन की बात रही तो फंक्शन में वही बात है कि मसल्स स्पिंडल अगेन जो मैं बता रहा हूँ आपको बॉडी का पोस्चर हेल्प करने में मदद करेगी और रिसेप्टर है स्ट्रेच रिफ्लेक्स की तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स अगर आपसे कोई पूरी आर्क पूछे तो रिसेप्टर हो गया आपका मसल्स स्पिंडल फिर आगे का आपको जो जो बताना है वो कॉम्पोनेंट बता सकते हैं रिसेप्टर फिर मोटर फिर अल, आपका सेंसरी पार्ट तो ये सब आपको स्ट्रेच रिफ्लेक्स एज इट इज़ आपको बन जाएगा अगर आपको आप ये मसल स्पिंडल uh, आता है तो तो मसल स्पिंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेंथ सर्वो मैकेनिज्म इस टर्म का मतलब क्या है बेसिकली अगेन एक सिस्टम है जो कि ऑपरेट करता है कि मसल की नॉर्मल लेंथ बनी रहे अब आपसे मैंने कहा कि जो आपका हायर पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे हायर पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा बेसिकली क्या होगा कि आपका जो ब्रेन का मोटर कंट्रोल सिस्टम है अब वो ये चीज़ ऊपर से देख रहा है ठीक है तो वो इनिशिएट करवाना चाहता है वॉलेंट्री इन्वॉलेंट्री मूवमेंट्स को तो उसके जो से ब्रेन के वो डिस्चार्ज करेंगे दोनों को अल्फा को भी और गामा को भी तो अब आपका जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आप देखेंगे तो अल्फा गामा को एक्टिवेशन हो रहा है मतलब अल्फा मोटर न्यूरॉन भी जा रहे हैं जो पूरे मसल को कर रहे हैं और जो गामा है वो इसलिए इसको कर रहा है वो भी हो रहा है ठीक है तो आपकी बॉडी मसल स्पिंडल की एक्टिविटी को भी देख पा रही है और इसको भी देख पा रही है तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को रेगुलेट करेंगे इसका क्या मतलब है बेसिकली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई ठीक है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो स्पिंडल भी एक्टिव रहेगा है ना तो अब इसके कारण क्या हुआ कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो एक्स्ट्रा फ्यूजल तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और स्पिंडल भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इंट्रा फ्यूजल भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ठीक है अब बॉडी को कभी भी लगता है कि जो भी लेंथ अभी मिली है ये ज्यादा हो रही है ठीक है ये लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू थोड़ा और हमें शॉर्ट होना चाहिए तो अब मसल स्पिंडल का डिस्चार्ज जो है वो वेरी करेगा अब इसमें क्या होगा आपको लेंथ और शॉर्ट चाहिए ना तो आपको मतलब कॉन्ट्रैक्शन और कराना है लेंथ अभी भी ज्यादा है तो मसल स्पेंडल का सेंसरी डिस्चार्ज बढ़ा दो तो आपको पता है बहुत अच्छे से जैसे ही डिस्चार्ज बढ़ता है तो बेसिकली आपका अल्फा मोटर न्यूरॉन पे अल्फा मोटर न्यूरॉन पे जाती है ये कहानी और अल्फा मोटर न्यूरॉन और कॉन्ट्रैक्ट कर देता है मसल को तो जो रिफ्लेक्स शॉर्टनिंग है वो प्रोड्यूस हो जाएगी पर अगर आपने कहा नहीं मसल अभी ज्यादा शॉर्ट हो चुकी है मतलब कॉन्ट्रेक्शन हद से ज्यादा हो चुका है तो मसल स्पिंडल का डिस्चार्ज कम हो जाएगा और मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी अल्फा मोटर न्यूरॉन के कारण वो रिलैक्स हो जाएगी सो अल्टीमेटली दोनों चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं आप ऐसा समझ सकते हैं मसल एक बड़ी एक्टिविटी है स्पिंडल उसकी छोटी पार्ट है पर दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था आई होप आपको समझ में आया हो और अगर आपने पुराने वीडियोस ना देखे हों तो जरूर देख लीजिएगा असेसमेंट क्वेश्चन की बारी है तो कॉमेंट्स में आंसर दे दीजिए Thank you so much. Stay safe, stay healthy, and keep learning.